हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल आई लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ साथ ऐसी एक्टिविटी शेयर कर रहे हैं जो हम क्लास में ही बच्चों के साथ पढ़ाई के साथ साथ करा सकते हैं। एक्टिविटीज़ में बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चों का मन बहुत लगता है एक्टिविटीज़ को करने में। तो जो हमारी मैथ किट में टाइल्स आई हैं, हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के ग्रुप बनाकर और डिफरेंट ग्रुप को डिफरेंट कलर की टाइल्स दे सकते हैं और उनसे उन टाइल्स से कुछ ना कुछ शेप बनाने को बोलेंगे तो बच्चे काफ़ी एक्टिव होके और इस काम को करेंगे। सेकेंड भी हमारी एक्टिविटी मैथ किट से ही रिलेटेड है। मैथ किट्स में हमारे ब्लॉक्स मिले हैं, हम उनकी हेल्प से बच्चों के साथ बैठकर या बच्चों को खुद ब्लॉक्स देकर कुछ डिफरेंट शेप्स बनाने को बोल सकते हैं। और भी कुछ नहीं, हम उन शेप्स की हेल्प से अल्फ़ाबेट बनाने को बोल सकते हैं तो ये बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों का लर्निंग लेवल जो है बिल्कुल टॉप पॉइंट पर रहता है। थर्ड एक्टिविटी में हम किसी भी ओकेशन पर स्पेशल डे के लिए बच्चों को अपना क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बोल सकते हैं और उनको कहेंगे कि आपको इस स्पेशल डे के लिए, होली के लिए, वाटर डे हो गया, अर्थ डे हो गया, एनीथिंग एल्स जो भी डे पड़ रहा है, कि आपको इस पर कुछ अपनी ड्राइंग बना के लानी है और साथ में हम खुद भी, टीचर्स भी उस पर कुछ ड्राइंग बनाए, तो जो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ड्राइंग करना तो वैसे भी बच्चों का एक फेवरेट पार्ट होता है। अब फोर्थ एक्टिविटी में हम बच्चों से कुछ पत्तियां मंगा सकते हैं जो अपने आसपास के पेड़ पौधे होते हैं और उन्हीं की हेल्प से उनसे बोलेंगे कि इनको किसी भी तरह अरेंज करके कुछ ना कुछ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट एनिमल बनाइए। तो जब बच्चों को बोला जाएगा, वे क्रिएटिव होंगे तो वो कुछ ना कुछ शेप्स बना लाएंगे और बहुत अच्छी बनाएंगे। फिफ्थ एक्टिविटी में हम वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बच्चों से कुछ बनवा सकते हैं, जैसे मूंगफली के छिलक हो गए, और उन्हें डिफरेंट टाइप से अरेंज करेंगे और डिफरेंट शेप्स बनाएंगे। नेक्स्ट सिक्स एक्टिविटी में हम कॉटन बर्ड से कुछ शेप्स बना रहे हैं। एक्टिविटीज़ में बच्चों का ही एक्टिव होना ज़रूरी नहीं है, दोनों टीचर और बच्चों दोनों को ही एक्टिव होना पड़ता है। टीचर्स को बताना पड़ता है, बताकर कराएंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। हम टीचर्स को भी बच्चों के साथ बैठकर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। नेक्स्ट सेवेंथ एक्टिविटी में हम बच्चों को घर से, ये एक्टिविटी मेनली बड़े बच्चों के साथ होगी और जिसमें हम बच्चों को घर से कुछ क्राफ्ट बनाने को बोलेंगे। बच्चे अपनी पसंद से, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ कटिंग करके, ऐड करके क्राफ्ट बनाकर ला सकते हैं। बड़े बच्चों के लिए ये एक्टिविटी काफ़ी हेल्पफुल है, इससे बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का पूरा मौका मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल बटन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू।